सो गाइस नीट एग्जाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाईएस्ट वेटेज रहता है, यानी कि केमिस्ट्री के तीनों सेक्शंस में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं। बट मैं ये जानती हूँ कि हमारे नीट एस्पिरेंट्स की धड़कनें जरा भर जाती हैं जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम आता है, क्योंकि आकांक्षा मैम कितनी भी दिलो जान से यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लें, कई बार समझ ही नहीं आती। और समझने की जब कोशिश हम करते हैं, लेक्चर्स को फॉलो करते हैं, तो यार टीचर्स कुछ ऐसे टर्म्स बोलते हैं जैसे कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहाँ होगा, न्यूक्लियोफाइल इधर, ऑर्थो पैरा मेजर प्रोडक्ट, रेजोनेंस की वजह से लेस स्टेबल है, रेजोनेंस की वजह से मोर स्टेबल है, ऑर्थो पैरा मेजर प्रोडक्ट मेटा ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ ऐसा बाउंसर सा जाता है और यार कितनी भी कोशिश कर ली जाए आकांक्षा मैम समझ ही नहीं आता है। यार इसका सबसे बड़ा रीजन है आपके बेसिक्स पुअर होना, आपके फंडामेंटल्स के साथ प्रॉब्लम है। दिस इज द रीजन कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेहनत करते हुए भी, चाहते हुए भी आप चीजों को क्लियर नहीं कर पाते हैं, और जब तक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी तो क्वेश्चंस भी आप कंफर्टेबली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे की एक बड़ी वजह होती है सीक्वेंस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वैसा सब्जेक्ट है जहां पर आपको सही सीक्वेंस फॉलो करना ही करना होगा। अगर आप उस सही सीक्वेंस और सही ऑर्डर ऑफ यूनिट्स में नहीं पढ़ते तो आप वो लैंग्वेज ही नहीं सीख पाते हैं जिससे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ आएगी। एंड दिस इज द रीजन कि हमारे कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो पाते। ज्यादातर ऐसा महसूस होता है कि यार रटाफिकेशन चल रहा है, और प्लेन रटाफिकेशन से आप नीट जैसे एग्जाम में बढ़िया स्कोर नहीं कर सकते हैं। सो हाय गाइस, आई एम आकांक्षा योर केमिस्ट्री एडुकेटर। फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज के सेशन में आकांक्षा मैम आपको ये बताने जा रही है कि भले ही आज आप जीरो लेवल पर खड़े हैं, भले ही आज आपको बहुत डर लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, बट आई कैन अश्योर यू, आई कैन गारंटी दिस, अगर आप बताए गए गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं आज के इस वीडियो के, देन डेफिनेटली यार आप परफेक्ट स्कोर कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कोई आपको नहीं रोक सकता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रेंथन करने से। मेक श्योर कि आप बताए गए सभी गाइडलाइंस को फॉलो तो कर ही रहे, साथ साथ आपने वीडियो को दिया बहुत सारा प्यार, सच दैट आपकी आकांक्षा मैम रहे सुपर मोटिवेटेड और शेयर करते रहे ऐसा बहुत सारा कंटेंट आपके साथ। इसी के साथ अगर आपको लगता है कि यार आकांक्षा मैम ऐसा ही सिमिलर वीडियो हमें चाहिए फिजिकल और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए भी, तो जरूर बताइएगा मुझे इन द कमेंट सेक्शन। आई विल पर्सनली गो बाय एवरी कमेंट एंड आई विल इंश्योर कि मैं आपको जरूर जो है आपके साथ एक ऐसा डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रही हूँ, है ना। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पर इससे पहले कि हम करें शुरुआत, आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू ऑल कि यार इस तरह के ब्यूटीफुल सुंदर और बहुत ही प्रिसाइज वेरी वेरी रेलेवेंट माइंड मैप्स आपके घर की डोरबेल पहुंचाते हुए ऑल फॉर फ्री आपके घर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन आकांक्षा मैम ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? वेल, बहुत आसान है। देखिए माइंड मैप्स तो एकदम फ्री है, लेकिन इसके लिए ये उन बच्चों को दिया जाएगा जो कि कोड AKA लाइव यूज करते हुए हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर रहे होंगे आज शाम 6 बजे से 8 बजे तक के बीच। देखो यहां पर हमारे पास फीनिक्स 2.0 बैच है बेटा, ये आपका फीनिक्स 2.0 बैच है जो कि एक ड्रॉपर्स बैच है जिसमें एक साल भर के ड्यूरेशन में हम आपको पूरी क्लास 11th क्लास 12th कवर कराने वाले हैं। जो भी बच्चे प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर इस बैच को ज्वाइन कर रहे होंगे आज शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच में, उन सब तक ये माइंड मैप्स पहुंचा दिए जाएंगे। हाउएवर आप बैच को बाद में भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं है। बैच का अमाउंट सिर्फ और सिर्फ ₹5499 है। पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अगर आप बढ़िया से रिसर्च कर भी लोगे, इधर उधर अच्छे से समझने के बाद आपको यही पता चलेगा कि दिस इज द बेस्ट यू आर गेटिंग। यहाँ पर ये जो आपका फीनिक्स 2.0 ड्रॉपर्स बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कॉमेंट सेक्शन में हमने आपको एक लिंक दिया है, लिंक पर आपको क्लिक करना है। बेटा लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, एक प्लस और एक आइकॉन, जो भी आपको अपने लिए मोस्ट सुटेबल लगता है। मैं इस वीडियो में आपको दोनों ही एक्सप्लेन कर दूंगी, आप उसके साथ जा सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 15th में इस बैच की पहली क्लास होगी जो कि ओरिएंटेशन सेशन होगा, जहां पढ़ाई तो नहीं होगी बट हम बाकी पूरे साल भर का रोड मैप यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। यह जो बैच है कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बैच आपको मिलता है। अगर आप कोड यूज कर रहे होंगे AKA लाइव तो आपको मेरी मेंटोरशिप प्लस सारे के सारे माइंड मैप्स मिल जाएंगे और आप इस बैच को अवेल कर पाएंगे सिर्फ 5499 के लिए। मेरे मेंटोरशिप में जुड़ने के बाद जब आप कोड यूज करते हैं तो हम आपको ऐड कर लेते हैं मेरे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां पर मैं आपके साथ जूम सेशंस का लिंक शेयर करती हूँ जिसमें वीक ऑन वीक मैं आपको गाइड करने वाली हूँ। समझेंगे कि आपकी टेस्ट में परफॉर्मेंस कैसी रही। स्पेशली आकांक्षा मैम का इस साल ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी बच्चा फिजिक्स और केमिस्ट्री की वजह से सिलेक्शन उसका रहना नहीं चाहिए, एंड हेंस वी विल इंश्योर कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री को प्रॉपरली प्रायोरिटाइज करते हुए, सही फैक्टर्स पर ध्यान देते हुए इन सब्जेक्ट्स में जरूर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि प्रोवाइडेड आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में बढ़िया परफॉर्म कर लेते हो यार, आप डेफिनेटली कॉम्पिटिशन बीट कर देंगे, क्योंकि यही वो दो सब्जेक्ट
टॉपिक्स हैं जो कि आपके सिलेक्शन के बीच में आ जाते हैं, ज्यादातर बच्चों को इनमें प्रॉब्लम होती है। 24/7 डाउट सपोर्ट हम आपको प्रोवाइड करेंगे, मेरे बनाए गए माइंड मैप्स, रिएक्शन चार्ट्स, फॉर्मुला शीट्स उन सभी बच्चों को मिल पाएंगे जो कि बैच ज्वाइन कर रहे हैं यूजिंग द कोड AKA लाइफ। सभी लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में दी गई हैं। ये ऑफर वैलिड है सिर्फ और सिर्फ 15 मई तक, जिस दिन हमारी पहली टीम क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो आकांक्षा मैम है आपकी टीम टाइटंस से, तो यार टीम टाइटंस में आपके फेवरेट एडुकेटर्स आपको मिलते हैं, पर जब आप फीनिक्स 2.0 बैच ज्वाइन करते हो सिर्फ टीम टाइटंस नहीं बल्कि टीम टाइटंस के साथ 5 और टीम यानी टोटल 6 टीम्स आपको मिलती है, जिसमें कंप्लीट इंग्लिश टीम भी है, कंप्लीट हिंदी टीम भी है, इंग्लिश बैचेस भी है। तो आप अपने सेट ऑफ एडुकेटर्स खुद चूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 3 एडुकेटर्स दे देगा और बस उनसे ही पढ़ना है। लेकिन हाँ, हर एडुकेटर एक सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस कवर कर रहा होगा, मतलब बायो के सारे एडुकेटर्स पूरी बायो पढ़ा रहे होंगे, ऐसे ही फिजिक्स, ऐसे ही केमिस्ट्री। मेरे साथ आप पूरी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल फीनिक्स 2.0 बैच में पढ़ सकते हैं। मेरी कल पहली क्लास है, 2 आपके पास ऑप्शन होंगे, एक प्लस एक आइकॉनिक। अगर आप प्लस के साथ जाते हैं आपको सभी एडुकेटर्स की लाइव क्लासेस तो मिल ही जाएगी, पर लाइव आप ना देख पाए तो आपको हर क्लास का रिकॉर्डेड एक्सेस भी मिलेगा, यानी कि आप किसी भी क्लास को कितनी भी बार देख सकते हो, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाती हैं, 250 से भी ज्यादा टेस्ट सीरीज, 35,000 प्रैक्टिस क्वेश्चन, बेटा 10 साल के पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, 24/7 डाउट सपोर्ट तुम्हें मिलता है, और साथ साथ आपको मिलते हैं डिजिटल नोट्स, है ना। और ये जो आपके डिजिटल नोट्स हैं वही आपको हार्ड कॉपी फॉर्म में मिल जाएंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ, जिसमें आपके घर पर चलकर आ जाते हैं आपके जो प्रिंटेड नोट्स हैं। और इसी के साथ बेटा आपको मिलती है आपके सिलेक्शन की गारंटी, यानी कि नीट यूजी अश्योर यानी अश्योरेंस आपको इस बात का कि अगर आप फीनिक्स 2.0 ड्रॉपर्स बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, ओके। और भाई अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, फिर क्या आकांक्षा मैम, तो आपको अगले साल का पूरा एक साल भर का नीट यूजी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जाता है। इसी के साथ सारे ऑफलाइन बैचेस का एक्सेस और 1-on-1 मेंटोरशिप। यार जब आप कोड यूज करते हैं AKA लाइफ तो तुम्हें मेरी मेंटोरशिप तो मिल ही जाएगी, पर मेरे अलावा भी आपको एक ऐसा मेंटोर मिलेगा जो मल्टीपल टॉप AIRs प्रोड्यूस कर चुके हैं लास्ट के कुछ सालों में, जिनके साथ आपके 1-on-1 सेशन होंगे, जिन्होंने बार बार इस पेपर के पैटर्न को बदलते देखा है, जिन्होंने बार बार इस पेपर के क्वेश्चन पैटर्न हो या इतने लाखों बच्चों को इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हुए देखा है कौन बच्चे बढ़िया परफॉर्म कर पाते हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजीज रहती है, किसके वीकनेस, किसके स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग क्या सही स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी चाहिए। आपके कस्टमाइज्ड प्लान के लिए हमारे पास है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो यार डेफिनेटली आइकॉनिक इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, बट आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करेंगे और टाइमली बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। वापस आपको याद दिला दूं कि ये खूबसूरत से माइंड मैप्स जो कि डिटेल्ड मैनर में बनाए गए हैं, डिटेल्ड मैनर में एक चैप्टर का क्विक रिवीजन एट अ ग्लांस हो सकता है, बेटा ये आपको मिल पाएंगे सिर्फ आज अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लान करते हैं यूजिंग द कोड AKA लाइफ बिटवीन द टाइम स्लॉट 6 बजे से 8 बजे के बीच में, 6 to 8 PM अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो ये आपके घर तक पहुंच जाएंगे। आइए अब आते हैं अपने मेन पार्ट ऑफ द वीडियो पर, जहां पर जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मेहनत करने के बावजूद भी कुछ बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। मोस्टली जो एक कॉमन फॉल्ट या कॉमन गलती जो आप कर बैठते हैं, जो मुझे देखने के लिए मिलती है, वो ये कि ये कॉमन मिस्टेक है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्लास 11th पूरी तरह वेस्ट कर चुके होते हैं, उसके बाद वो सिंसियरली सीरियसली फॉलो करते हैं क्लास 12th को, बट उसके बाद भी कुछ समझ नहीं आता है। रीजन यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक नॉर्मल सब्जेक्ट नहीं है, उसको पढ़ने के लिए एक लैंग्वेज आना चाहिए, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको क्लियर होने चाहिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको आने ही चाहिए। अगर वो आपको आते हैं तो आप बहुत ही कंफर्टेबली वेरी स्मूथली क्लास 12th पढ़ पाएंगे, बट अदरवाइज नॉट। एंड इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है सही सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स को फॉलो करना। बेटा सही सीक्वेंस का मतलब है कि हमें शुरुआत हमेशा ही GOC नाम के चैप्टर से करनी है, जिसमें सबसे पहले हम IUPAC नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं, जहां पर हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपरकॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं, फिर इसके बाद जितना भी रिएक्शन मैकेनिज्म्स होते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन जितने अलग अलग मैकेनिज्म से प्रोसीड कर सकती है, जैसे कि SN1, SN2, E1, E2, फ्री रेडिकल, एडिशन रिएक्शन, ब्ला ब्ला ब्ला, सब कुछ आना चाहिए। मतलब इसके बाद आपको ये पढ़ना है और इसके बात फिर हम अपना नॉर्मल जो है कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हैं, लेट्स से हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है, हेलो एल्केन्स, हेलो एनीन्स, फिर तुम कुछ भी पढ़ सकते हो, पर शुरुआत हमेशा GOC, रिएक्शन मैकेनिज्म, IUPAC नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म से ही होनी चाहिए, क्योंकि ये वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं जो आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप बाकी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझ पाए। तो इस बात का ध्यान रखने वाले सभी स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत चाहे आप क्लास 11th में है, चाहे क्लास 12th में है, समझ आए सब्जेक्ट, ऐसा ना लगे कि रट्टाफिकेशन चल रहा है, हमेशा GOC से स्टार्ट करना है।
हाउएवर मैं आपको बता दूं, जीओसी नाम का कोई भी चैप्टर एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जब हम आपको पढ़ाते हैं तो हम इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे, यानी कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए समझना आसान हो जाए। तो जितना भी एक्सट्रैक्ट है, जितना भी बेसिक फाउंडेशन पार्ट है, वो हम जीओसी और रिएक्शन मैकेनिज्म दो यूनिट्स में कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी में आपको एक चैप्टर मिलेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पर उसका कंटेंट तो काफी है लेकिन एक्सप्लेनेशन इतना एलैबोरेटेड नहीं है कि सिर्फ उसको रीड करने भर से आप काबिल बन जाए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। तो इसमें आपको एक टीचर का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए, एक बढ़िया गाइडेंस के बिना आप इस सब्जेक्ट में अच्छे से नहीं इसको कवर कर पाओगे। जैसे मैंने आपको कहा, एक बार जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म आईयूपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ लिया, फिर तो जो दिल चाहे चैप्टर पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सब आपको समझ आ ही जाएगा। इसके बाद जब भी आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रही हूँ, है ना, तो यार मेरा पढ़ने का तरीका हमेशा यही रहेगा, सबसे पहले मैं पढ़ूंगी कि मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन क्या होते हैं। लेट अस से व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ अल्केन्स, सबसे पहला मैं यही कवर करूंगी और इसके अंदर जितनी नेम रिएक्शंस आएंगी वो भी कवर करते चलेंगे। फिर प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, लेट अस से अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, मतलब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसे वेरी करता है, सॉल्युबिलिटी कैसी है, और फिर हम पढ़ते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि वो किसी दूसरे रिएजेंट के साथ केमिकली कैसा रिएक्शन दिखाते हैं, किस तरह के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक टॉपिक के लिए आपका एग्जैक्टली यही सीक्वेंस, यही फॉर्मेट रहना चाहिए। बेटा उसके बाद डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, देखिए मैं हमेशा क्या करती हूं कि अलग से एक 20 टू 25 मिनट्स के वीडियो के हेल्प से मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा देती हूं कि ऑल इन ऑल केमिस्ट्री में टोटल कितने डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं। तो एक ही वीडियो में वैसे मैं आपको सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट सिखा दूंगी, हाउएवर अलग अलग चैप्टर्स में हमारे पास बहुत सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आते हैं, है ना। तो ये जो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लास्ट पेपर के कुछ तीन ही, दो या एक महीना ही बचा था, उससे भी शायद कम दिन एक्चुअली, और मैंने एक वीडियो शेयर किया था जस्ट 20 मिनट्स का, जिसमें सारे डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट थे और एग्जैक्टली उसी से दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए। एक तो ल्यूकास रिएजेंट के ऊपर क्वेश्चन आया और एक टॉलेंस रिएजेंट फेलिंग्स रिएजेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आया। जस्ट इमेजिन इतना सा मैंने पढ़ाया, एक 20 मिनट की वीडियो से तीन क्वेश्चन आ जाए तो कितना बढ़िया लगता है। तो आपको जरूर अलग से एक लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए, वैसे भी अगर आप मेरे गाइडेंस के अंदर होंगे, मुझसे पढ़ रहे होंगे, तो आपकी लिस्ट प्रिपेयर हो ही जाएगी। अदरवाइज भी आपको इस तरह की एक लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए जो कि डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस भरपूर एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं कि यार या आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा, मतलब कौन है इसमें से जो आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव देगा, किसके लिए आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं आएगा, या फिर ये शिफ्ट बेस के साथ रिएक्ट करता है ये नहीं करता है, टॉलेंस रिएजेंट देगा या नहीं देगा, एक्सेट्रा, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। या फिर आप एल्डिहाइड और कीटोन में कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो उस सब में यही काम आएगा। इसके बाद रिएक्शंस की लिस्टिंग की जानी चाहिए। हाउएवर जैसे आपका एग्जाम पास आएगा, तो अगर आप मुझसे पढ़ रहे होंगे तो मैं तुम्हें एक नेम रिएक्शन का चार्ट बनवा दूंगी पूरा का पूरा, ठीक है। ऑल इन ऑल एनसीईआरटी में टोटल 48 टू 50 नेम रिएक्शंस हैं, है ना। लेकिन अभी जब आप पढ़ने की शुरुआत कर ही रहे हैं तो आप अलग से नेम रिएक्शंस को लिस्ट डाउन कर सकते हैं। मतलब कि एक तो तरीका ये है कि जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं, इस तरह से एक ब्लैंक शीट ऑफ पेपर पर उन सबको लिख लिया जाए और हर दिन आप दो दो रिएक्शन का सेट चूज कर उनको रिवाइज कर सकते हो। लेकिन इनिशियली अगर प्रेपरेशन की जस्ट शुरुआत हो ही रही है तो ये भी किया जा सकता है कि आज जैसे मेरे पास हाइड्रोकार्बन चैप्टर है, अब हाइड्रोकार्बन में ये इतनी सारी रिएक्शंस नेम रिएक्शंस मेरे सामने आई, तो मैं क्या करूंगी कि वो जो जितनी नेम रिएक्शंस इस चैप्टर में है ना, एक जगह मैंने उनको लिस्ट डाउन कर लिया। अभी नेम रिएक्शंस वो पार्ट होता है ऑर्गेनिक का जहां से 200-500% लिख कर ले लो, मुझसे साइन करा लो, क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। एक नहीं बहुत सारी नेम रिएक्शंस है डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो यार आपको वो अलग से रिवाइज करते जाना है और वो पॉसिबल हो पाएगा सिर्फ और सिर्फ तभी जब आप अलग से उसको अटेंशन दे रहे होंगे, क्योंकि इतनी सारी नेम रिएक्शंस होती हैं तो कभी कभार थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार रिएजेंट क्या था, यार कौन सा फंक्शनल ग्रुप किसमें इंटर कन्वर्ट हो रहा था, है ना। तो इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए थ्रू आउट। एंड मेरे जो बच्चे हैं वो स्टार्टिंग के दो महीने में ही ट्रेन हो जाते हैं, क्योंकि मैं उनको दे देती हूँ रिएक्शन चार्ट और इस तरह से आप डेली दो दो रिएक्शन का सेट चूज करोगे तो भी यार 25 दिन 25 डेज, उससे भी कम में आपकी सारी नेम रिएक्शंस हो चुकी होंगी। तो दिस इज द राइट वे, या ये सही तरीका है, दिस इज द रोड मैप यू शुड बी फॉलोइंग अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़िया परफॉर्म करना है। एंड आई बिलीव बाकी भी बच्चे जो आज के इस वीडियो को देखे, उनको ये समझ आया होगा कि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेहनत कर रहे हो उसके बावजूद भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों समझ नहीं आता, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्यों क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। आई होप आपको उसका आंसर मिल पाया, है ना।
ऑल्सो क्वेश्चंस की अगर बात की जाए तो क्वेश्चंस आप वैसे तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर सकते हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो आपको 200% करना ही करना है. और बाकी यार अच्छे स्टैंडर्ड रेफरेंसेस जैसे एमएस चौहान या बाकी भी जितने हमारे अच्छे स्टैंडर्ड रिसोर्सेज होते हैं, अगर आप एक अच्छे एडुकेटर के गाइडेंस में होंगे, अगर आप मेरे गाइडेंस में होंगे, तो मैं आपको एक डीपीपी दूंगी जिसमें आपके पास सारे वो एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके लिए बने, एक नीट एस्पिरेंट के लिए बने, जो कि जरूरी होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए तो साइमल्टेनियस क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट होती है. मतलब हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, एक रिएक्शन सीखा, वो कितने तरीके से पूछी जा सकती है, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलता है. बेटा आई होप कि आपको अभी कोई कंफ्यूजन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सब कुछ मैंने कोशिश की कवर करने की. एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे. मेक श्योर दैट यू ऑल हैव हिट द लाइक बटन. बताइएगा फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए अगर आपको सिमिलर वीडियो चाहिए. 6 अभी बजे हुए हैं. आज शाम के 8 बजे तक आपको माइंड मैप्स मिल सकते हैं फ्री अगर आप कोड यूज कर रहे हैं AK लाइव, हमारा सब्सक्रिप्शन लेने के लिए. और जी वैसे तो बैच में तो आप कभी तक भी एनरोल करा सकते हो, लेकिन हाँ बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 15 मई से. ओरिएंटेशन क्लास है पहली क्लास. मैं नहीं चाहूंगी कि कोई भी मिस करे. हाँ बहुत एक्साइटेड है मैंने आपके लिए बहुत तैयारी की है स्पेशली इस सेशन के लिए. सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन माई फर्स्ट प्लस क्लास. बेटा कोई भी पहली क्लास को मिस मत कीजिएगा. और बाकी हम लोग मिलते हैं 15 मई 12:45 PM पहले ओरिएंटेशन सेशन के साथ. एंड बाकी भी आप इस बैच को कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन फिर आपकी रिकॉर्डिंग्स होंगी, फिर आप लाइव लेक्चर्स मिस कर दोगे, बाकी बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, बैकलॉग बन जाएगा. मुझे पता है सबने इवेंचुअली आना तो यही है क्योंकि इससे बेहतर कुछ है ही नहीं, है ना. लेकिन क्यों समय निकलने देना जब फीस देना ही है. इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा भी नहीं. आज आपको मौका मिल रहा है माइंड मैप्स का भी. तो यार कम ऑन, लेट्स मेक द राइट चॉइस एट द राइट टाइम. आपके सामने ही अपॉर्चुनिटी है, उसको अपने सामने से जाने मत दीजिए. हैव इट व्हेन यू ग्रैब इट. लाइफ में अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती और बार बार तो डेफिनेटली नहीं, एक बार गई तो गई, है ना. तो यार कम ऑन, ज्वाइन द प्लेटफॉर्म, करते हैं अपने प्रेपरेशन की शुरुआत. दैट वॉज ऑल. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू ऑल विद सम अदर वीडियो. थैंक यू सो मच. टाटा बाय बाय. गुड लक एंड टेक केयर.